आप सभी का एमडी डिफेंस स्कूल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम स्पेशल ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं सैनिक स्कूल के लिए, मिलिट्री स्कूल के लिए, आरएएनसी देहरादून के लिए, जो आपका प्रत्येक टॉपिक बिल्कुल इजी वे में और वो क्वेश्चन रहेंगे जो लास्ट ईयर्स के एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं जियोमेट्री। जियोमेट्री के छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो किसी की पोजीशन को शो करता है, ये एक हमने पॉइंट लिया, ये एक पोजीशन शो करता है, एक ही पोजीशन को शो करता है, या किसी लाइन का कोई पॉइंट है उसकी जो पोजीशन को शो करे उसे हम बोलते हैं पॉइंट्स। उसके बाद हम पॉइंट वर्किंग करते हैं लाइन सेगमेंट। कोई टू पॉइंट है उनके बिटवीन में एक लाइन खींची, टू पॉइंट के बीच में केवल और केवल वन ही लाइन खींची जा सकती है, और यदि हम उनके बीच के एक डेफिनेट लेंथ हो, क्या हो, डेफिनेट लेंथ हो, क्या लेंथ जो हो हमारे पास एक फिक्स लेंथ मिले उसे हम बोलते हैं। यहां से यहां तक फिक्स लेंथ थी कि ये जिसकी मान लो कोई भी एक फिक्स यूनिट फिक्स मिले, भाई 5 सेंटीमीटर है जो है, तो एक फिक्स डेफिनेट लेंथ मिले उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। इसकी लेंथ होती है बट ना तो थिकनेस होती है ना ब्रेथ होती है। तो मेन पॉइंट इसके अंदर लाइन सेगमेंट में क्या होता है, फिक्स डेफिनेट लेंथ होती है। उसके बाद हम बात करते हैं लाइन की। लाइन क्या होता है, इस साइड भी जा रही है इस साइड। यदि हम क्वेश्चन आए क्या एक पेपर के ऊपर लाइन सेगमेंट बना सकते हैं, हाँ यस हो सकता है, पर लाइन को आप हम पेपर पे सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं, परंतु प्रॉपर लाइन कभी भी एक पेपर के ऊपर नहीं बनती। तो सिर्फ एक ड्रा रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। मैंने पॉइंट दिया ये ए ये बी, जो दोनों साइड में कभी भी किसी भी साइड में बढ़ती रहती है वो लाइन होती है। हम इसको ए बी ऐसे दे दिया मैंने, और ये बी, ये बराबर होती है दोनों साइड से। बट यदि हम यहां पे बात करेंगे जो हम लाइन सेगमेंट में, यदि मैं कहूं ए पी इक्वल होती है बी ए, तो ये भी क्या होती है, बराबर होती है। परंतु यहीं पे हम बात कर ले रे की, हम बात कर लेते हैं रे की कि रे हमारा वर्किंग क्या है। रे एक जिसका एक पॉइंट तो फिक्स होता है, अदर पॉइंट फिक्स नहीं होता। रे को भी किसी एक पेपर पे ड्रा नहीं किया जा सकता, सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन शो की जाती है, परंतु उसको एक वैसे पेपर पे नहीं किया जा सकता। तो ये हमारे पास रे होती है, इसका एक पॉइंट तो होता है इनिशियल पॉइंट, और दूसरा पॉइंट हमारा फिक्स वर्किंग नहीं होता, वो सिर्फ एक शो करते हैं, हम रिप्रेजेंटेशन देते हैं। मैं बताऊंगा यहाँ पे रे को हम ऐसे लिखेंगे ए टू बी। ए टू बी यदि मैं इक्वल टू करूं बी टू ए, क्या ये बराबर है, ये बराबर नहीं है, क्योंकि क्या कहेगा, इसका मतलब है बी इज एन इनिशियल पॉइंट, बी हमारा इनिशियल पॉइंट है, ए हमारा यहाँ पे है, तो ये दोनों तो डिफरेंट बात होगी। यहाँ पे ए इनिशियल पॉइंट था तो इसलिए इसमें ये चीज बराबर नहीं होती। इसमें मैंने डेफिनेट लेंथ बताई थी, इसमें डेफिनेट लेंथ नहीं है, और रे में भी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती। इसको एक पेपर पे ड्रा किया जा सकता है, इसको पेपर पे ड्रा नहीं किया जा सकता, इसको भी पेपर पे ड्रा नहीं किया जा सकता। इसमें बताया था मैंने ए बी का लाइन सेगमेंट बी ए के लाइन सेगमेंट के बराबर होता है। इसमें जो आपकी लाइन है ए टू बी या बी टू ए, उनकी वर्किंग बराबर होती है। यहाँ पे ए बी या बी ए बराबर नहीं होती, ये सिर्फ एक साइड में हमने कोई भी एंगल्स आ जाते हैं, जैसे ऐसे आ जाएगा कोई ओ पी क्यू ऐसे रह जाती है, तो हमें हर एक को रिप्रेजेंट करेंगे ओ टू पी ऐसे, ओ टू क्यू ऐसे। ये यहाँ इनका इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होके आपकी इंक्रीजिंग लाइन पे जा रहा है, तो होती है हमारे पास रे। उसके बाद आता है कोलिनियर पॉइंट्स। हम डिस्कस करते हैं कोलिनियर पॉइंट्स को। कोलिनियर पॉइंट कोई हमारा लाइन सेगमेंट दिया मैंने, या कोई लाइन दे दी, ऐसे मैंने कोई लाइन दे दी, उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं ये डिनोट करते रहे, वो सभी क्या होते हैं, एक लाइन के ऊपर थ्री और मोर पॉइंट्स इन वन लाइन, थ्री आवर मोर पॉइंट्स लाई इन बिटवीन द लाइन कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट। यदि बहुत तीन या तीन से ज्यादा जो पॉइंट्स हैं एक ही रेखा के ऊपर लाई करते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। फिर आता है नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स यदि एक पॉइंट यहां पे है, एक पॉइंट यहां पे, एक पॉइंट यहां पे है, लाइन खींचेंगे तो एक लाइन ऐसे गई, दूसरी लाइन खींचे हैं तो ऐसे गई, मतलब एक ही लाइन के ऊपर यदि पॉइंट्स फिक्स नहीं है तो उन्हें हम बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, उन्हें बोला जाता है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। एक ही लाइन के ऊपर जितने कितने भी पॉइंट हो कोलिनियर पॉइंट्स, और एक
लाइन के अपर ना हो, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, परंतु एक तो डिफरेंट हो गया ना, तो इसे बोलते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। इंटरसेक्टिंग लाइन, इफ टू लाइन, हमारे पास टू लाइन है, एक लाइन ये थी, दूसरी लाइन ये थी, कट ऑन वन पॉइंट, वन इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, मान लीजिए पी बोल दिया। इफ टू लाइन कट ऑन वन पॉइंट या इंटरसेक्ट ऑन वन पॉइंट, कॉल्ड ऑन इंटरसेक्टिंग लाइन। उसके बाद हमारे पास वर्किंग आती है कॉन्करेंट लाइंस, टू और मोर लाइंस, टू और मोर लाइन इंटरसेक्टिंग ऑन वन कॉमन पॉइंट। मैंने यहां पे एक कॉमन पॉइंट दे दिया, एक लाइन गई यहां से, ये भी आ गई, फिर एक लाइन गई यहां से, ये भी आ गई, फिर एक लाइन गई यहां से, ये भी आ गई, फिर एक लाइन गई यहां से, ये भी आ गई। तो ये सभी कॉन्करेंट लाइंस हैं, एक पॉइंट से इनफाइनिटली मैनी लाइंस पास हो सकती है। यदि मैंने बोला था कोई टू पॉइंट है, उससे केवल वन ही लाइन ड्रा की जा सकती है, परंतु एक पॉइंट से मैनी लाइन कैन पास। पैरेलल लाइंस, आपके पास टू लाइंस हैं, ओवरऑल में इनका जो बीच का गैप है, जो बीच का जो डिस्टेंस गिवन है आपको, वो यदि ओवरऑल में पैरेलल इक्वल चलता है तो उन्हें हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस, उन्हें बोला जाता है पैरेलल लाइंस। ओवरऑल गैप बिटवीन टू लाइंस या लाइन सेगमेंट्स या रे और गैप विल बी सेम, कॉल्ड ऑन पैरेलल लाइंस। हमें देखा हुआ जो रेलवे ट्रैक है, रेलवे का ट्रैक के बीच का जो डिस्टेंस है बिल्कुल सेम रहता है। कोई भी आप बुक्स लेंगे, बुक्स की फर्स्ट एक साइड और दूसरी अंश, दोनों के बीच का गैप देखोगे बिल्कुल वो सेम रहता है, तो उन्हें हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। ट्रांसवर्सल लाइंस, कोई भी टू लाइंस थी ऐसे पैरेलल, उनको थर्ड लाइंस एक ऐसे कट करती है, टू पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, तो उस लाइन को बोला जाता है उसको ट्रांसवर्सल लाइंस। उसके बाद आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, मीनिंग कोई भी लाइन्स है आपकी, एक लाइन ये होगी, फिर लाइन ये होगी, अलग लाइन ये होगी, तो बहुत सी लाइनें हैं जो हाउ मैनी पॉइंट्स विल बी कट। यहां पे आपके पास क्वेश्चन पूछा जाएगा नंबर ऑफ पॉइंट्स, डिपेंड करेगा एन पे, एन बिलोंग टू नंबर ऑफ लाइन। मैंने कह दिया यदि n की वैल्यू 3 दे रखी है, 3 लाइंस हैं, तो कट ऑन मैनी पॉइंट्स, हाउ मैनी पॉइंट कट। तो मैंने एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपने, n इंटू एन माइनस वन बाई टू, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, एन नंबर ऑफ लाइंस। तो मैंने क्या बताया था, 3 इंटू थ्री माइनस वन बाय में टू, 3 मल्टीप्लाई में टू बाय में टू, टू से टू कैंसल इक्वल टू, तो कितने पॉइंट्स पे कट करेगी, 3 पॉइंट्स पे। यदि मैं इसी बात को कहूं, यदि आपको नंबर ऑफ लाइन, लाइन दे रखें 20, नंबर ऑफ लाइंस 20 हैं, 20 लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हाउ मैनी पॉइंट्स कट, तो हाउ मैनी पॉइंट्स, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स के लिए फॉर्मूला बता दिया मैंने, एन इंटू एन माइनस वन बाई में टू, एन मैंने बोला नंबर ऑफ साइड्स कितनी है आपकी, या नंबर ऑफ लाइन कितनी है, 20 है, इंटू 20 माइनस वन बाय में टू, कहने का मतलब है 20 मल्टीप्लाई में 19 बाय में टू, टू पे ये 10, तो 190 पॉइंट्स होंगे आपके पास। अब ये जो हमने स्टेटमेंट्स की हैं, इनके ऊपर हम क्वेश्चंस करते हैं, इजी जैसे क्वेश्चंस हैं, हमें पता चल जा रहेगा कि क्वेश्चंस क्या है। विच ऑफ द फ्लोइंग ओनली वन एंड्स, मैंने आपको बताया था जो आपकी लाइन सेगमेंट है उसमें दो एंड्स होते हैं, लाइन सेगमेंट में ए और बी, लाइन सेगमेंट में रे है, रे में वन वन पॉइंट होता है, और यदि हम लाइन की बात करें, लाइन में होता ही नहीं, लाइन में नहीं होता, इसमें वन पॉइंट होता है, इसमें टू पॉइंट होते हैं। तो पूछा था विच ऑफ द फ्लोइंग हैज ओनली वन एंड पॉइंट, तो इज कॉल्ड ऑन रे। ए फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड इनफाइनिटली ऑल डायरेक्शन, कोई भी हमारी टू डायमेंशन फिगर होती है, कोई भी टू डायमेंशन, जैसे ट्रेंगल है,
रेक्टेंगल है, स्क्वायर्स है, ट्रेपिज्म है, रोम्बस है, ओवरऑल्स, वो ओवरऑल्स ऑल साइड्स में, ऑल डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में इंक्रीज होती है, या मैं बोलूंगा डायरेक्ट शब्दों में प्लेन इज इंक्रीज इनफिनिटली मैनी डायरेक्शंस या ऑल डायरेक्शंस। तो वहां पे डिपेंड्स करता है ए फ्लैट विच एक्सटेंड इनफिनिटली इन ऑल डायरेक्शंस, ऑल डायरेक्शन में इंक्रीज करता है, वो होता है प्लेन। क्योंकि लाइन है, लाइन तो सिर्फ दो ही डायरेक्शन में कवर कर रही है, लाइन सेगमेंट कहीं पे इंक्रीज करता ही नहीं, वर्किंग पॉइंट, पॉइंट एक फिक्स पोजिशन शो करता है, वो भी इंक्रीज किसी साइड को शो नहीं करता। तो नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन हो गए हमारे, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, जो थर्ड क्वेश्चन है उसकी तरफ देखते हैं। ये आरएमएस 2021 में आया क्वेश्चन सर, हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू टू पॉइंट। मैंने बिल्कुल अभी स्टेटमेंट में समझा था, एक पॉइंट ये है, आपका एक पॉइंट ये है, ये ए है, ये बी है, इसके बीच में केवल और केवल वन लाइन ही खींची जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ वन, ओनली फॉर वन। Which of the following statement is incorrect? Incorrect कौन सी है? First, a line does not have definite length. बिल्कुल सही बोला है कि हमारी लाइन है वो बिल्कुल कवर करती रहती है ऐसे से ऐसे, उसकी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं होती, सिर्फ डेफिनेट लेंथ लाइन सेगमेंट की होती है। तो ये हमारी राइट है। ए लाइन हैज नो एंड पॉइंट, क्योंकि देखो एंड पॉइंट है ही नहीं, क्योंकि दोनों साइड में इंक्रीज हो रही है, तो ये भी बात बिल्कुल राइट है। ए लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन पेपर, लाइन को किसी पेपर पे नहीं बना जा सकता, सिर्फ मैंने बताया था ड्रा रिप्रेजेंटेशन इन डायग्राम, डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। ए लाइन कैन बी प्रोड्यूस ओनली इन वन डायरेक्शन, देखो ये बात गलत कर दी, क्योंकि लाइन तो इस डायरेक्शन में भी जाती है और इस डायरेक्शन में, रे जाती है ओनली फॉर वन डायरेक्शन में, तो विल बी ये हमारी क्या है, इनकरेक्ट है। रे फॉर्मिंग एंगल दिस, मैंने अभी बात बताई कि हमारा कोई एंगल है ऐसे पी क्यू आर, मान लो ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, हमेशा ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। जो हमारा एंगल बनेगा तो ये बनेगा आपका क्यू से पी की तरफ ऐसे, और ये बनेगा क्यू से आर की तरफ, हमेशा जो आपकी रे होती है, जो मैंने आपको रे समझाई थी, रे आपकी ये पॉइंट्स होगा, इससे ऐसे की तरफ जाती है, तो वो ये आपका इनिशियल पॉइंट था क्यू, ये आपका पी, ठीक है, इंक्रीजिंग वाला पॉइंट था, तो इसको क्यू से पी की तरफ रिप्रेजेंटेशन करेंगे। इसने बोला था कि पी क्यू आर, एक इस साइड जाए इस साइड, ये एंगल्स को, ये आपका क्यू से पी की तरफ है रिप्रेजेंटेशन, ये क्यू से आर की तरफ ये रिप्रेजेंटेशन शो करेगा। तो हमने इसके बारे में इसने पूछा था कि हमारा क्यू से पी, तो ये तो है ही नहीं क्यू से पी, क्यू से पी की तरफ और क्यू से आर की तरफ, तो हमारा सी विल बी द राइट, सी विल बी द राइट, क्यू से पी की तरफ और क्यू से आर की तरफ रिप्रेजेंटेशन शो करेगा। विच ऑफ द फ्लोइंग लेटर्स इन मैक्सिमम पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, एक बात आइए, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस यदि मैं एन की बात करूं, एन आपका ऐसे है, तो दिस लाइन एंड दिस लाइन, तो वन ही पेयर बन रहा है आपका। आप बात करते हैं ई की, ई हमारे पास यहां पे ऐसे, तो दिस लाइन और दिस लाइन पैरेलल है, या फिर आप बोलोगे दिस लाइन एंड दिस लाइन पैरेलल है, तो ये पेयर तो एक एक ही बन रहा है, किसका है किसका। फिर हम बात करेंगे, देखिए ये लाइन आपकी जो है इसके साथ ये मैच कर रही है, ये इसके पैरेलल में चली जाती है, और ये लाइन जो आपकी है ऐसे, ये दो, ये एक पेयर तो यहां पे हो गया और एक पेयर आपका यहां पे हो गया, तो दो अलग अलग पेयर हो गए, उनमें तो कॉमन ले रहे थे, तो अलग अलग लाइन है, दो पेयर हो गए। एम, एम तो आपका ऐसे बनता है, एक पैरेलल एक ये एक ही पेयर बन रहा है, तो इसमें दो अलग से पेयर बन रहे थे, तो मैक्सिमम पैरेलल लाइन आपकी यहां पे है। हाउ मेनी पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस आर देयर इन द फ्लोइंग, इसमें हमें पैरेलल लाइन पूछी गई, एक तो बोलूंगा ये होगी भाई, ये तो इसके होगी, एक पेयर, एक ये लाइन चली गई ऐसे, एक ये लाइन चली गई ऐसे, दो पेयर,
एक ये लाइन आपकी ऐसे यहाँ से यहाँ तक है, इसी के पैरेलल में ये है, थ्री पेयर, तो पेयर कितने होंगे, थ्री हो गए, ये आपका रहेगा। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी ड्रॉन ऑन ए पीस ऑफ पेपर, पीस ऑफ पेपर पे रे को नहीं बना सकते, प्लेन को नहीं बना सकते, और ना ही हम लाइन को बना सकते, सिर्फ एक लाइन सेगमेंट को बना सकते हैं, लाइन को हम पीस ऑफ पेपर पे नहीं बना सकते, रे को नहीं बना सकते, प्लेन को नहीं बना सकते, सिर्फ किसको बना सकते हैं, लाइन सेगमेंट को, क्योंकि लाइन आपकी दोनों साइड में इंक्रीज हो सकती है, रे आपकी वन साइड में इंक्रीज होती है, ये ऑल डायरेक्शन में इंक्रीज होती है। प्लेन, टू प्लेन इंटरसेक्ट ऑन, अब प्लेन, प्लेन क्या होता है, मैंने बताया था अभी भी, मान लीजिए कोई एक ये और दूसरे रेक्टेंगल, वो कट किस पे करेंगे, टू लाइन ही तो कट करेंगे, टू लाइन ही इंटरसेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास था टू प्लेन इंटरसेक्ट ऑन लाइन, कहाँ पे करेंगे, लाइन पे। हाउ मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट, एक पॉइंट गिवन है हमारे पास, मैंने बता दिया गिवन पॉइंट ये है, इसमें से कितनी लाइन पास कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, जितनी पास करते रहे बहुत पास हो जाएंगी, तो हमारा आंसर रहेगा इनफाइनेटली मैनी, इनफाइनेटली मैनी लाइन पास फ्रॉम वन सिंगल पॉइंट। हम क्वेश्चन नंबर पहुंच गए 11, हाउ मैनी रे कैन बी ड्रॉन विद ए गिवन पॉइंट ऑफ इनिशियल पॉइंट, हाउ मैनी रे, यदि आपको एक इनिशियल पॉइंट दे दिया तो यहां से कितनी रे जा सकती है, एक रे ये निकल गई, एक रे ये निकल गई, एक रे ये निकल गई, ये निकल गई, ये निकल गई, एक सिंगल पॉइंट से आप कितनी भी रे निकालते रहो, ओके, तो वहां भी हाई रहेगा हमारे पास, इनफाइनेटली मैनी रे कैन स्टार्ट विद इन वन इनिशियल पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ है, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट कौन सी है, लाइन सेगमेंट, मैंने आपको बताया था एक लाइन सेगमेंट है ये, मान लीजिए ये क्यू है, ये पी है, यहां मैंने बताया था कि जो पी क्यू और क्यू पी, क्यू पी और पी क्यू दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यदि हम बात करें रे, रे मैंने आपको एक बात कही थी, रे हो गया आपकी ऐसे, यहां इसने दे दिया पी पॉइंट, पी पॉइंट ये है आपका और ये आपका क्यू पॉइंट है, ये पी से क्यू की तरफ ऐसे, पी आपका इनिशियल पॉइंट, फिर इसने दे दिया क्यू पी, क्यू मान लो ये क्यू है तो ये पी, यदि ये क्यू है और ये आपका पी है तो ये क्यू से पी की तरफ, क्यू से पी की तरफ, ये और दोनों में देखिए यहां तो पी इनिशियल पॉइंट को शो कर रहा है ये क्यू को, तो ये कभी भी आपस में पी क्यू नॉट इक्वल क्यू पी होती है, क्योंकि इनकी डायरेक्शन अलग अलग हो जाती है, तो ये हमारी इनकरेक्ट पोजिशन है, इनकरेक्ट, तो ऑप्शन रहेगा हमारे पास बी। अब लाइन में, लाइन में मैंने बताया था लाइन तो दोनों साइड में ऐसे भी जा रही है, ऐसे भी जा रही है, तो एक सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन दे दिया पी से क्यू, तो हम बोलेंगे पी क्यू और क्यू पी बराबर है, हो गया बी। हमारे पास 12 ही क्वेश्चन थे जो हमारे लाइन के ऊपर डिपेंड करते थे, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे और प्लेन के ऊपर। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एंगल्स के बारे में, अब हम देखेंगे एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं और एंगल को चेक करते हैं।